अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक जापानी डिश जिसका नाम है सुकी याकी, उसकी तरकीब लेकर आए कि वो किस तरह बनती है। और ये डिश नहायत लजीज डिश होती है और ख़ास तौर से सर्दियों में नहायत मुफीद होती है। इस डिश यानी सुकी याकी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके नाम ये हैं। गोश्त एक पाव, गोश्त के पारचे बने हुए हों, पतले पतले पारचे, जिस तरह पसंदे के लिए गोश्त के पारचे बनाए जाते हैं इस तरह। पालक एक गड्डी, इसको काट कर रख लें। मशरूम एक छिटांग, चिकन की यखनी एक कप, नूडल्स उनको उबाल लीजिएगा, एक कप होने चाहिए। सोया सॉस खाने के दो चाय के चमचे, प्याज दो दर्द छोटी हो और उसको बारीक बारीक काट लें। चीनी डेढ़ चाय का चमचा, अजमूद एक डंडी, तेल आधा कप और नमक हसबे जायका। आइए अब हम आपको इसकी तरकीब बताते हैं कि ये किस तरह बनता है। एक बड़ा प्याला लेकर इसमें चीनी, सोया सॉस और यखनी डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब एक बर्तन भगोने या पतीली में तेल गरम करके प्याज को इतना फ्राई कर लें कि वो लाइट ब्राउन हो जाए। अब इस बर्तन में गोश्त डालकर इसको प्याज के साथ अच्छी तरह भून लें। इसके बाद गोश्त में नमक, अजमूद, मशरूम, पालक और एक कप पानी डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसमें यखनी वाला जो मिक्सचर हमने बनाया कर रखा हुआ था वो भी शामिल कर दें। फिर इसके बाद इसमें नूडल्स शामिल करके इसको मज़ीद 5 मिनट पकाएं और इसके बाद चूल्हे को बंद कर दें। आपकी मज़ेदार लजीज सोए याकी डिश तैयार है। आप इसको सर्व करें, ख़ुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको ये डिश ज़रूर पसंद आएगी।